में जो है उस्ताद बाबा सिकंदर साहब के साथ जो इशू चल रहा था बाजियों के जो मुकाबलों का, वो क्लियर हो चुका और जो वन टू वन मुकाबले वो अंजाम पा गए। तो इंशाल्लाह इसके जो मुकाबला जात की तफसील है वो बाकायदा इंटरनेट पे पोस्ट के थ्रू भी आपको दे दी जाएगी और इन तमाम वन टू वन मुकाबलों के को जनाब जो है यहाँ पे उस्ताद इजाज़ चेयरमैन साहब के सामने सरपरस्ती जो लिखा गया डिटेल हमारे पास है वो भी आपको दिखा देते हैं। और हमारे साथ तमाम तर दोस्त मौजूद हैं, उस्ताद मलिक मुंतजर मेहदी साहब भी, उस्ताद हाफिज अमानुल्लाह साहब भी हैं, उस्ताद मलिक कासिम खोखर साहब भी हैं। मैं इशारे कर रहा हूँ इसलिए कि दिखाते भी जाओ कौन कौन है। तो और उस्ताद नबील खोखर साहब भी, ये वो तमाम अशखास हैं। उस्ताद हाफिज अमानुल्लाह कह दिए, ये वो तमाम अशखास हैं जिनका चैलेंज था इकट्ठे जो बैठे, अक्सर वीडियोज आई हुई हैं। एक दो लोग जिनकी अलहदा से वीडियोज आई थी वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये तमाम इन लोगों के यहाँ पर आने के बाद आज तमाम तर मुकाबला जात लगा दिए गए। हम चलते हैं उस्ताद इम्तियाज हुसैन चेयरमैन साहब की तरफ और उनसे इसकी डिटेल पूछते हैं। मलिक थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पाँच दिन जरा सामने, मलिक नाल हो जाओ, कोई नहीं थोड़ा नाल हो जाना यार, कैमरे सारे आ बाबा जी, के बाबा जी नाल आओ, बाबा जी उत्ते सोफे पे चले जाए, सर जी तुम उधर जाओ, सानू भी जगह दो, इंशाल्लाह इससे लहज ही उड़न की मजा आएगा लोगों को, हार जित किस्मत दी ते हस खेड के बागियां उड़न की, कोई गुस्से गिले वाली किसी ना कोई गल नहीं, किसी दे कोई तमाशबाजी नहीं हुई, सारे दी मर्जी दे मुताबिक के बागियां लिखियां गई, इंशाल्लाह आइंदा भी जेड़े शौक होन गए इन्हां दी मर्जी दे मुताबिक ही होंगे। अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हो गया सर। ये डिटेल थोड़ी सी बता दे, कितने सालों की बाजी में तस्वीरें तुसी ला दो, ये तस्वीरें यहाँ पर है, ये तस्वीरें जो है शेयर कर देंगे। मजीद ये कि आपको बताते चले, जो उस्ताद मलिक मुबशर साहब का मुकाबला है उस्ताद बाबा सिकंदर साहब से डायरेक्ट, वो होगी उस्ताद बाबू ताहिर साहब अली छत। ये इसमें ये लगा है जी चेतर के तीसरा चौथा इतवार, बैसाख के चार इतवार, जेठ की सात बाजियां और चारों इतवार सूझ के, और ये पांच साल की जो है बुनियाद पे लगाई गई है, बशर्ते कि कोई नाज्ञानी वजह अगर हुई तो उस वक्त में बाजी अगर कैंसिल होगी तो होगी, वरना ये बाजियां तमाम पांच साल तक उड़ाई जाएंगी। इसी तरह बाजी है जी बिलाल जोया शागिर्द बाबा सिकंदर, छत हैदर खान वली काना, और ये उस्ताद मुबशर खोखर साहब के आगे शागिर्द से बाजी है जी उस्ताद शहबाज मुंबर साहब से हंजरवा, ये भी बैसाख इसकी तस्वीर ना ले, मैं लाइव दे रहा हूँ ना लेना, डालो लिखे गए। अच्छा अच्छा, बाजी बैसाख 2023 चार इतवार बैसाख के हैं जी, और सात बाजियां जो है जेठ की है, ये बाजी भी पांच साल की, ठीक। आगे आ गए जी बाजी उस्ताद बाबा सिकंदर और उस्ताद हाफिज अमानुल्लाह साहब, इसमें भी इसी तरह से चेतर दो इतवार और बैसाख के चार इतवार, जेठ की सात बाजियां, इसमें असूज जो है वो शामिल नहीं है, ये पांच साल की उस पर है जी, पांच साल, ये भी उसी शर्त पर है पांच साल की, ठीक हो गया जी। इसके बाद जी बाजी मबैन उस्ताद बाबा सिकंदर छत बाउ ताहिर वाली बमुकाबला उस्ताद मलिक मुंतजर मेहदी नंबरदार, चेतर के दो इतवार, बैसाख चार इतवार, जेठ सात बाजियां और इसमें चार इतवार असूज के भी। ये बताएं कि ये डबल बाजी लगी है कि छत से, ये भी साथ बता दें। और ये दोनों जो बाजियां हैं ये उस्ताद बाबू ताहिर शरीफ साहब की तरफ से भी सेम बाजियां जो है, ये उसी छत से, नहीं सेम ही बाजी, सेम ही बाजी, हाँ जी मलिक मुंतजर साहब की जो है ये जितनी बाजियां लगी हैं ये सेम लगी हैं बिल्कुल इसी तरह, छत एक ही है, बाजियां दो हैं। और हाफिज अमानुल्लाह साहब की जो है वो सिर्फ जेठ की बाजी है, जो बहुतायत से जेठ की बाजी, छत एक ही है, मुकाबला जा दो दो से, ठीक हो गया जी मलिक साहब कुछ। अब जी ये मलिक नबील खोखर और मलिक कासिम खोखर जो है इनकी भी बाजी है और जनाब बाबा सिकंदर साहब से, ये जेठ की सात बाजी है, नबील कासिम दोनों की जेठ की है सिर्फ जी, ये भी पांच साल की बुनियाद पर लगाई गई है, बशर्ते कि नागहानी वजह कोई ना, बाकी ये जो बाजियां ये जैसे कि आपको रात भी इनकी डिटेल मिल गई थी,
जो है निजी सोशल मीडिया चैनल पे चला दी गई है इसकी डिटेल, और मजीद हम लोग भी इनको आगे चला देंगे। जो उस्ताद बाउता है शरीफ छत उस्ताद मलक याज साहब की जो वन टू वन मुकाबले लगे हैं इन तमाम असाज़ा कराम से जो यहाँ पर मौजूद हैं सिवाय उस्ताद मलक मुबशिर फोकर। ठीक है जी, तो इसमें मलक साहब आप कुछ कहना चाहें तो। जी अस्सलाम वालेकुम, बड़े अच्छे माहौल से साढ़े मुकाबले तय हो गए और बड़ा मजा आया, भाई चेयरमैन ने करवाते ने, नहीं तो होता था भावे ना ही होता। ठीक है गल तो सही करनी चाहिए, बहरहाल माशाल्लाह कुछ छत्ता भी ठीक ने ते लोगों ना शौक का मजा आएगा, शौक देखने का बहुत मजा आएगा और बड़े अच्छे माहौल के बाद में उठन लगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही होता मलक मुंतजर साहब जी, बड़े अच्छे और अच्छे माहौल बाजिया लगे गई सानू बहुत वड्डे भाई ने भाई चेयरमैन साहब साढ़े ते तू क्या सुना वे सब ने बहुत खाना शाना वगैरा खिलाया सानू और बहुत अच्छा इंतजाम किया, बड़ा मजा आया सानू, बाजियां बड़े खुशगवार माहौल नाल और मजा माहौल नाल लगी है, इंशाल्लाह ताला सबसे पहले तो जी इनका शुक्रिया जिन्होंने हमें बड़ा अच्छा खाना खिलाया। उसके बाद जो बाजियों का माहौल रहा है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त रहा है, प्यार मोहब्बत गया, इसी प्यार मोहब्बत में इंशाल्लाह ताला दोस्तों को ना शौक देखने का मजा आएगा इंशाल्लाह। कासिम भाई उस्ताद मलिक कासिम खोकर साहब जी अस्सलाम वालेकुम जी, ये जी साढ़े जोड़ तय पा गया ने इंशाल्लाह अच्छे माहौल दे नाल उड़ाए जाएंगे और सारे भाओं नु अच्छा शौक मिलेगा जी। कासिम बिल्कुल जी, माशाल्लाह मुकाबले साढ़े बड़े अच्छे तरीके दे नाल तय पाए ने, माशाल्लाह अच्छा शौक देखने को मिलेगा बड़े अच्छे तरीके बड़े अच्छे माहौल जी, अच्छे बाजिया की तय पा रही ने, इंशाल्लाह ताला अच्छे शो दे वादू कापियां बाजिया ने। अच्छा उस्ताद मारू बलोच साहब जिन्होंने हमारी मेजबानी के फराइज सर अंजाम दिए, इनसे भी थोड़ी सी बात लोग करते कटो। अल्लाह का शुक्र है बकाया सारे दोस्तों ने शुक्रिया अदा किया, कोई ऐसी गल नहीं है, चेयरमैन साहब का ही घर उन्हों का ही डेरा और उन्होंने इस्तेमाल किया है, तो बकाया तो बड़ा माना दोस्तों ने अगर कहता तो ये चेयरमैन साहब लिए है सारा कुछ साढ़े बुजुर्ग अल्लाह ने। अच्छा पाजी एक छोटी सी जो गलत फहमी दुनिया में चल रही थी रोज के रोज जो वीडियोस आ रही थी ना एक दूसरे के ऊपर वीडियोस कभी इधर से जवाब कभी उधर से जवाब, ये भी जरा क्लियर कर दीजिएगा कि कोई भी इस जाति अनाद या दावत कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये शौक के लिए बात हो रही है, हार जीत होनी होनी है, किसने हारना है किसने जीतना है उन लाइट लेना है, कोई हार जीत होनी है ना। हाँ जी जो मर्जी कर असि लोग आईए भी असि कूल माइंडेड होके असि शौक किया कूल माइंडेड होके उड़ाया तो लोग वाल दसीए यार शौक इस तरह भी हो जाता है अगले नु रिलीफ दो रिलीफ लवो बिलकुल सही। और कुछ कहना चाहेंगे आपकी कोई बात करनी हो। मैं ते ऐ रिक्वेस्ट करांगा पोस्टां जिहड़ियां ने जिहड़ियां वीडियो ने मीडिया मीडिया खेडना बंद करो, अगर तुहानू शौक है अगले दे घर चले जाओ।
ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਨਾ ਵਿਖਾਓ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਯਾਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜਾ ਤੱਕ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਕਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਸਮੇ ਵੀ ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਹਮੇ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਨਾ ਹਮੇ ਅਲਹਾਮ ਆਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹਮੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋ ਵੀ ਮਲਕ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੇ ਕਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਤੋ ਹਮ ਗਏ ਥੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਅੰਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਅੰਜੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਆਮ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਪਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫਾਈਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਕਰੋ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਚੋਂ ਨਾ ਛੱਡੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਾਤ ਜਿਸਕੇ ਪਾਸ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਪੇ ਬੈਠਾ ਚਾਹੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੋਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਪਰ ਲਿਮਿਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਚੰਦ ਲਫਾਜ਼ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੀਂਗ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਨਾ ਕਮੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੀਂਗ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਟਕਾ ਕੇ ਰਗੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੇ ਮੈਂ ਮੁਖਾਲਫ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਜੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਨੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਜੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸਰ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਓ ਸਰ ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਨੇ ਟਾਈਟਲ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਅਲਕਾਬਾਦ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਮਚੋਰ ਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੇ ਪਾਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਲੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਹਿ ਤੂੰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਝੁੱਟਦਾ ਚੇਤਰ ਵੀ ਵਿਸਾਖ ਵੀ ਤੇ ਜੇਠ ਵੀ ਅਸੂ ਵੀ ਉੱਡਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਟਾਈਟਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਲਾਣਾ ਉਹ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ آپ اس بات کو چھوڑ دیں مجھے سمجھ آ گیا یار میڈیا میڈیا کی میڈیا کا بھی جواب لے لینا جہاں میڈیا کا بندہ کمپیئرنگ نہیں کر رہا ہوتا وہاں پہ جو پارٹی بیس پہ لوگ کمپیئرنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کو تخلص سے اور ان القابات کے ساتھ
ला रहे होते हैं। हमें भी बाद में कहा जाता है कि भाई ये नाम लेना है तो वो लिया जाता है, जब कह देते हैं नहीं लेना तो नहीं लिया जाता। यार मैं तुम्हें गल दसा चैंपियन जेट मीडिया ਦੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਹੋਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਨਾ ਗੁੱਟਰ ਦਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ ਜੋ ਸ਼ਕੀਨ ਬੰਦਾ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਹਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਣੇ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਗੈਰ ਦਾਵਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਤਰਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਕੇ ਨੇ ਛੋੜਿਆ ਜੀ लेजिस के साथ हमें सबको दें इजाजत। अल्लाह सारे का आमीन। जी दोस्तों, ये कुछ दिनों से जो गर्मा गर्मी थी चेयरमैन साहब की वजह से